यूपी में बिजली की दरें बढ़ाने के प्रस्ताव पर राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने कहा, बिजली कंपनी का प्रस्ताव असंवैधानिक है। बिजली कंपनियों पर जनता का 25,133 करोड़ का सरप्लस है, इसलिए बिजली कंपनियों की दरों में 35% कम करने का प्रस्ताव देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अवधेश वर्मा ने कहा कि उन्होंने राज्य विद्युत नियामक आयोग में याचिका दाखिल, बिजली की दरें कम करने की मांग की है। बिजली कंपनियों ने घरेलू बिजली दरों में 18 से 23% बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है, तो उद्योगों के लिए इस्तेमाल होने वाली बिजली दरों में 16%, कृषि बिजली दरों में 10 से 12% की बढ़ोतरी की मांग भी की गई है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के जो अध्यक्ष अवधेश वर्मा, उन्हीं से। अवधेश जी, 23% तक घरेलू उपभोक्ता की जो बिजली है वो महंगी करने की तैयारी, इतना महंगा प्रस्ताव कभी देखा है आपने? देखिए, जहाँ तक सवाल है, बिजली कंपनियों ने जो कल प्रस्ताव दाखिल किया, निश्चित तौर पर वो असंवैधानिक प्रस्ताव है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर सरप्लस 25,133 करोड़ रुपया निकल रहा है, और नियामक आयोग ने निकाला है, कोई किसी दूसरी संस्था ने नहीं निकाला है, निकल रहा है, तो उसके तहत बिजली कंपनियों को कानूनन तो 35% बिजली दर कमी का प्रस्ताव दाखिल करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसको लेकर हमने कल विद्युत नियामक आयोग में याचिका दाखिल की और हमने कहा कि 35% एकमुश्त हमारी दरों में कमी की जाए। और जो पावर कॉरपोरेशन की तरफ से याचिका दाखिल की गई, जिसमें उनका यह मानना है कि घरेलू जो उपभोक्ता है उनकी 18 से 23% तक बिजली दरों में बढ़ोतरी की जाए, हमारे जो किसान हैं उनकी लगभग 10 से 12% बढ़ोतरी की जाए, हमारे जो वाणिज्यिक उपभोक्ता है उनकी 12% बढ़ोतरी की जाए, उद्योगों की लगभग 16% बढ़ोतरी की जाए, उसका कोई तर्क नहीं है, उनको जो भी आधार है वो पूरी तरीके से गलत है। और मैं आपको ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बिजली कंपनियां जो बार बार कहती हैं 3 साल से उत्तर प्रदेश में टैरिफ नहीं बढ़ा, ये जो 3 साल पहले तो सरप्लस पैसा हमारा निकला था, जब हमारा पैसा सरप्लस निकल आया तो आप इस तरीके की बात करते हैं। जब हमने याचिका लगाई, नियामक आयोग ने कहा कि भाई ये उपभोक्ता परिषद याचिका में आ गया और ये कह रहा दरों में कमी करिए, अब बताइए आप इस पर क्या कहना है, तो नियामक आयोग को जो जवाब दाखिल करता है पावर कॉर्पोरेशन, उसमें ये कहता है कि साहब इसके खिलाफ हमने माननीय अपटल में मुकदमा लगा दिया। हमने कहा भाई, मुकदमा लगा देने से कोई प्रक्रिया नहीं रुकती जब तक कोई अंतरिम आर्डर या कोई स्टे आर्डर ना हो जाए। और एक बात देखिए, उत्तर प्रदेश में कैसा दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है, नोएडा पावर कंपनी पर जब प्रदेश के उस क्षेत्र के उपभोक्ताओं का बिजली दर में पैसा निकला, उसकी याचिका हमने लगाई, तुरंत 10% वहाँ की बिजली दर कम हो गई, और वर्तमान में नोएडा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर उपभोक्ताओं का पैसा निकला तो 10% बिजली दर वहाँ कम हुई, हम टॉप 1 में चले जाएंगे। तो सवाल ये उठता है, इसको देखना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी को, ऊर्जा मंत्री को भी हस्तक्षेप करना चाहिए कि 6 महीना पहले अभी जब टैरिफ आया तो आपने बड़ी बड़ी बातें करी, 7 रुपया को 6.50 रुपया कर दिया, अब इसका जवाब कौन देगा? उपभोक्ता परिषद ने भी अपनी लड़ाई शुरू कर दी है लोकहित की याचिका लगाने के साथ ही। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा। वहीं बिजली की दरों को लेकर सियासत भी हो रही है, कांग्रेस ने भी सरकार पर हमला बोला है। जब आपके पास बिजली बनाने की क्षमता नहीं है तो आप उसकी आपूर्ति करेंगे कैसे, यही विपक्ष का सवाल लगातार मैंने तो विधानसभा में पूछा कि आप जब एक नई यूनिट बनाएंगे नहीं तो आप उसकी खपत कैसे करेंगे। लगातार उत्तर प्रदेश में आबादी बढ़ती जा रही, बिजली की खपत बढ़ती जा रही, लिहाजा अगर आपके पास केंद्र नहीं है तो आप बिजली खरीदेंगे, और आप खरीदेंगे तो आप गरीब आदमी पर, खासकर किसान पर और मध्यम वर्ग पर एक बोझ डालने जा रहे हैं। किसान को आपने कहा कि हम बिजली मुफ्त देंगे या हाफ देंगे, उस कई पैमाने आपने तय किए कि उनकी सिंचाई की बिजली हम माफ़ करेंगे, पर आप देखिए अंत क्या हुआ कि आज बिजली कम करना तो छोड़ दीजिए, बिल कम करना छोड़ दीजिए, उसको दुगना करने की कवायद शुरू हो गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।